हेलो दोस्तों आपका हमारी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है पथोन पथम नुतांदु पथोन पथन नुतांदु मलयालम वर्ज़न फिल्म है तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है दूसरे सभी जो वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया जाएगा फिल्म का डीप रिव्यू किया जाएगा इसके अलावा अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर डीप में चर्चा की जाएगी तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है जहाँ पर मैं फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग तथ्य भी आपके साथ शेयर करूँगा तो वीडियो में अंत तक जरूर बने एगा तो आज का हमारे वीडियो शुरू करते हैं पथोन पथम नुतानदु पथोन पथम नुतानदु का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने की हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हरसन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कम्पोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने मलयालम के ऑफिशियल के, के उपर, वीडियो में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं परुम बनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्ुनू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और केस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टमिक सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पे नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनुप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन और मथरूपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरुमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंस ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू निपणिकर जो ट्रामकौर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्म, कर्मना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़प्पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफ़र इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेथला नदूवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौनथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाय जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुपू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था जो का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित रे, इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पर कितु के रोल में एदिनासू ऐति नंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था, था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडू फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा। के, के, इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानु फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा youtube और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो youtube पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन प्रथम नुतांदू फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतानदु पथोन पथम नुतानदु का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कम्प्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कम्पोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल 5 गानों को कंपोज किया था जिसके राइट्स टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो उन्होंने इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रोथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुम्बन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीजें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीजें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर ऑन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज़ करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज़ हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनीकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रन कोर मथरुपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर काइमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलिनसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था ने पच्चुनिपनिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रिगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदलकरान करान का रोल है वो जफर इदुकी को दिया गया था वहीं पे चिरथला नदूवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवयर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलू था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौनथिर कुरुप जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्ला देखने को मिलेंगे जो जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम का रोल वीके बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबू रिथिर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपुन्नो ने वहीं पर कितू के रोल में इदिनासु ऐति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था द तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई एम करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा। के, के, इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी कंपनी के 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 द्वारा हिंदी के द्वारा हिंदी डब इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पथन नुता फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जो था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फ़िल्म के लिए कम्प्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कम्पोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्र ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पाँच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैरा सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुमबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपान ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवंबर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर 2021 को ही कंप्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था 20 अगस्त 2022 को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर ऑन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉर्डमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रवान कोर माथरूपल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सैंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर काइमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चु ने पनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्मना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफ़र इंदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम जोज ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट है उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कॉम कुरुप्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित रे, इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पर कितु के रोल में एदिनासु यति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते ममोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो 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 अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथुन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते किसी फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तोाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा पे करवाएगा करवाएगा डब उसके बाद में टीवी पे और उनके चैनल चैनल के 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 बैनर ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में सब टाइटल प्रीमियर करवाएगा देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानु फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पाथन नुतांदो फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पर स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का एडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्र ने

निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पीली इक्ुनू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और केस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्प सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो हजार बाईस को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर ऑन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉडमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर ऐलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनुप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थमपोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर मथुरुपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नम्बी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनिकेशरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंस ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नम्बुथिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू नेपनिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना कर्म, ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफर इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलू था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर अदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कॉम कुरुपू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तम का जो रोल था वो सुरती रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबुरथीर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित रे, इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बिजु इलुपुन्नो ने वहीं पे किट्टू के रोल में एदिनासु यिनंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नजर आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी जिस इस वजह से फिल्म को को 8 सितंबर 2022 रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा। के, के, फ्री में हिंदी सब टाइटल प्रीमियर कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा youtube और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो youtube पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन प्रथम नुतानदो फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतानदु पथोन पथम नुतानदु का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कम्पोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने मलयालम के ऑफिशियल फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन पुथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं परुम बनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्ुनू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और केस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूज़िक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्मिक क् के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज़ करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज़ हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनीकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन और मथरूपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रांस ने प्ले किया हुआ था बावा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू ने पनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़प का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफ़र इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेथला नदूवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौनथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाय जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुप्प्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित रे, इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पे कितु के रोल में एदिनासू ऐति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को 20 अगस्त को रिलीज किया उसको भी अच्छा मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को

अब देख बात कर लेते हैं कि ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुतादू फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पर फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा पहले सेंसर करवाएगा डब करवाएगा उसके बाद में टी पे और उनके यूट्यूब चैनल के बैनर के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में विथ इंग्लिश सब टाइटल प्रीमियर करवाएगा अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में हो है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथम नुतंदू फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सेटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथन पथम नुतांदू फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पर स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फ़िल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे इन गानों को म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैरा सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपान ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवंबर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर 2021 को ही कंप्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए ए करवाया था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था 20 अगस्त 2022 को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉडमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रन कोर माथरूपल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर काइमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलिनसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था ने पच्चुनिपनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल किस्सुनी का रोल है वो जफ़र दुखी को दिया गया था वहीं पे चरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट है उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कौतिक कल्ला जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुप्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था जो का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पर कितु के रोल में इदिनासु यति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते ममोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नजर आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था वहां पर फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को, 20 अगस को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, था। ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पांस मिला था आईएमडीबी पे करीबन पंद्रह सौ वोट हासिल हुए थे जिसमें छ पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथोन पथम नतांदू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तोाथम पथम नुतांदू फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा पे करवाएगा करवाएगा डब करवाएगा। उसके बाद में टीवी पे और उनके चैनल चैनल के बेनर के के बैनर ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में सब टाइटल प्रीमियर करवाएगा देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानु फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज़ करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पथन नुतांदो फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहन ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन पुथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैरा सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुमबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपान ने गाया हुआ था मैली पिली इक्ुन्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टिंग के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो हज़ार बाईस को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर ऑन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनीकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायमकुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर मथरुपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेणु सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नम्बुथिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू निपणिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था कंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफ़र दुखी को दिया गया था वहीं पे चरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर अदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कौतिक कल्ला जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कॉम कुरुप्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था जो का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पर कितु के रोल में एदिनासु ऐति नंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नजर आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जो था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फ़िल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रोथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैरा सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुमबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्ुन्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूज़िक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवंबर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को 23 नवंबर 2021 को ही कंप्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टिंग के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति थी सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर माथर पिल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सैंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रन्स ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू ने पनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्मना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफ़र इंदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में कम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरूप जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट है उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कोम कुरुप्पू का रोल वी बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बू थिर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पे कितू के रोल में इदिनाशु ऐति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहाँ पे इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजन प्राइम वीडियो

पहले सेंसर करवाएगा डब करवाएगा उसके बाद में टीवी पे और उनके के बैनर के यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में करवाएगा। देखते कि ये सभी कि दिनों में होती है तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको

लेटर ऑन चीजें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहां पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें विना ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक थी, थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हरसन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहन लाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुमबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपान ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टमिक सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर करवाया था जहां पर यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्वर्डमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर ऐलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनुप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थमपोरती के रोल में दीप्ति सा देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर मथरूपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनु सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनिकेशसरी का परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपाल ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू पच्चून जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्म करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना का रोल है वो जफर इंदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर अदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कॉम कुरुपू का रोल वी के बैजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तम का जो रोल था वो सुरती रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबुरथीर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बिजु इलुपुन्नो ने वहीं पे किट्टू के रोल में एदिनासु यिनन्दू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था, था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नजर आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीज़र 3 जून 2022 को रिलीज किया था इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को अगस्त को रिलीज किया उसको भी अच्छा मिला था पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह सौ वोट हासिल हुए थे जिसमें छः. पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा। के, के, फ्री में हिंदी में सब टाइटल प्रीमियर कि कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा youtube और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो youtube पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन प्रथम नुतांदू फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कम्प्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कम्पोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल 5 गानों को कंपोज किया था जिसके राइट टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो उन्होंने इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुम्बन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस क् के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज़ करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज़ हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर टेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रन और माथरपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू पे ने, ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलिनसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चुनिपनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़प का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफर इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेथला नदूवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाय जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुप्प्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बू रिथिर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बिजु इलुपुन्नू ने वहीं पर कित्तू के रोल में एदिनासू ऐति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते हैं ममोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा करवाएगा डब उसके बाद में टीवी पे और उनके चैनल चैनल के 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 बैनर ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में सब टाइटल प्रीमियर देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानू फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पथम नुतानदू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जो था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पर स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फ़िल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने

निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्नु करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और केस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टिक्स सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था 20 अगस्त 2022 को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉडमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो रावण कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनुप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायमकुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर मथरूपेल्ली कलइंग कुत्ती अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेहर ने प्ले किया हुआ था पेनिकेशसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरूमल का रोल गोकुल गोपाल ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे ईश्वर पे नमुन का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चून जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल करान किसुनी का रोल है वो जफ़र दुखी को दिया गया था वहीं पे चेथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौनथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट है उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कौतिक कल्ला जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कॉम कुरुप्पू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बूर थीर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बिजु इलुपुन्नू ने वहीं पर कित्तू के रोल में एदिनासु यति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते ममोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहाँ पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथुम पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तोाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ब वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा करवाएगा डब उसके बाद में टीवी चैनल के बैनर के के चैनल ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में सब टाइटल प्रीमियर करवाएगा देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानु फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पथन नूतान्दू फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पर स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का एडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्र ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को मलयालम के ऑफिशियल फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करेंदु फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं परुम वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पीली इक्नु करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और केस हरिशंकर हरीशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पांच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टिक सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहां पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्वर्डमैन है वहीं पे नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कोर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनुप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन कोर मथरुपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेणु सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नम्बी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंस ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नम्बुथिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन तम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू निपणिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना कर्म, ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफर इंदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में कम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरूप जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कोम कुरुपू का रोल वी बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बू का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पे कितू के रोल में इदिनासु ऐति नंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था, था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहाँ पे इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहाँ पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्ज़न में ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजो प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथुन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा, के, के, इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा youtube और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो youtube पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन प्रथम नुतांदू फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतानदु पथोन पथम नुतानदु का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइनटीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हरसन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममूटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल 5 गानों को कंपोज किया था जिसके राइट टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों के पास थे जो उन्होंने इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन पोथम नुतांदु फिल्म के टोटल पाँच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुम्बन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपान ने गाया हुआ था मैली पिली इक्कुन् करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टमिक क्सिंग के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज़ करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज़ हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर टेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्वर्डमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रवान और मथरूपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नम्बी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरुमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चूनपणिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रिगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़म का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफर इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदूवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरूप जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाए देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कोम कुरुपू का रोल वी बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पे कितू के रोल में इदिनाशु ऐति नंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था, था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते ममोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था जहाँ वहां पर इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ टी राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर दो हजार बाईस को, को रिलीज किया हुआ था कि मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा पहले सेंसर करवाएगा डब करवाएगा उसके बाद में टीवी चैनल के बैनर के यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में करवाएगा। देखते कि ये सभी कि दिनों में होती है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सेटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पाथन नुता फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पर स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज के द्वारा और ड्रीम बिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहनलाल ने फिल्म को नरेट किया हुआ था सीजू विल्सन काइडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करुमबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्न्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कम्प्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवंबर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवंबर 2021 को ही कंप्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्मिक्स सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था 20 अगस्त 2022 को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉडमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायमकुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनोद जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रन कोर माथरूपल्ली कलइंग कुत्ती अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवन्नी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चुनिपनीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्मना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना का रोल है वो जफ़र इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्र पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में कम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरूप जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कोतिकल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कोम कुरुपू का रोल वी बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तमपूर्ति का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नम्बूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी से रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पे कितू के रोल में इदिनाशु यति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते ममोती फिल्म के सेकंड हाफ़ में नेरेट करते हुए नजर आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था वहां पर फिल्म ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यह मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहां पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें 6.9 की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतान्डू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज़ किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुतादू फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा करवाएगा डब उसके बाद में टीवी चैनल के बैनर के के चैनल ऊपर ऑफिशियली फ्री में हिंदी डब में सब टाइटल प्रीमियर करवाएगा देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा यूट्यूब और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज़ करवाया जाएगा तो यूट्यूब पर आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन पाथम नुता फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतांदू पथोन पथम नुतांदू का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइन्टीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जो था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डशन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पि फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हर्सन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहन ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूज़िक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फ़िल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट म्यूजिक वालों के पास थे इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रोथम नुतांदू फिल्म के टोटल पांच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैरा सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करबन्ना इनिगु वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्ुन्नू करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी दो में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टिंग मिक्सिंग के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यूए करवाया हुआ था जहाँ पे यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर ऑन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज़ करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनीकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक स्पॉर्डमैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायमकुल्लम कोचिनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगी सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रवान कोर मथरुपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सेंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नंबी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनिकेशसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरूमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बाबा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नम्बुथिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था पच्चू निपणीकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर कर्मना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रेगिंजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफ़ा ने प्ले किया हुआ था तंदल करान किसुनी का रोल है वो जफर इदुकी को दिया गया था वहीं पे चेरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुख सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर आदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नम्बू थिर के असिस्टेंट है उसका रोल नजीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्ला देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाए जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कौतिक कल्ल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुपू का रोल वी के बैजू ने प्ले किया हुआ था जो का जो रोल था वो श्रुति रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबूर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लाई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बीजू इलुपन्नू ने वहीं पर कितु के रोल में एदिनासु ऐति नंदु शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नजर आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी इस वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था वहां पर फिल्म का ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यह सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पर उसको काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में 8 सितंबर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहां फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह सौ वोट हासिल हुए थे जिसमें छ की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजो प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथुन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा पहले सेंसर करवाएगा डब करवाएगा उसके बाद में टीवी के, के, परीमियर देखते कि ये सभी चीज़ें कितने दिनों में होती है इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते हो तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथान फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा हिंदी डब कंपनी के द्वारा इस फिल्म के राइट्स खरीदे जाएंगे उसको बाद में डब करवाया जाएगा सेंसर करवाया जाएगा youtube और सैटेलाइट के लिए बाद में इस फिल्म को तैयार करके रिलीज करवाया जाएगा तो youtube पे आने वाले समय में फिल्म हिंदी डब में फ्री में बिल्कुल ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो इस तरह से पाथोन प्रथम नुतांदू फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे पथोन पथम नुतानदु पथोन पथम नुतानदु का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है नाइनटीन सेंचुरी ये मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था इनिशियल डेज़ के ऊपर इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करने वाले थे लेटर ऑन चीज़ें सही नहीं गई जिसके चलते फिल्म को सिर्फ मलयालम रिलीज ही दिलवाई गई थी, थी थिएटर में फिल्म का जोनर था पीरियड एक्शन ड्रामा जहाँ पे स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विनायन ने किए हुई थी गोकुलम गोपालन जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी जैसे कि श्री गोकुलम मूवीज़ के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था साथ ही में श्री गोकुलम मूवीज़ के द्वारा और ड्रीम बिग पिग फिल्म द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था फिल्म का बजट मीडियम काइंड ऑफ था जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट जितनी लंबी ये फिल्म थी यानी कि दो घंटे और अड़तीस मिनट लंबी जितनी फिल्म थी जिसको एडिट किया हुआ था विवेक हरसन ने सिनेमेटोग्राफी साजी कुमार ने की हुई थी ममोटी मोहनलाल ने फिल्म को नेरेट किया हुआ था सीजू विल्सन का एडू लोहार अनूप मेनन चंबन विनोद जोश और सुदेव नेर जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिले थे जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एम जयाचंद्रन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉरी सॉन्ग्स कंपोज किए हुए वहीं पे संतोष नारायण ने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था म्यूजिक के राइट्स टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जहां पे इन गानों की कंपोजिशन 2020 में की गई थी वहीं पे इस फिल्म के जो गाने हैं उसके लिरिक्स रफीक अहमद ने लिखे हुए थे सभी गानों के लिए और बैकग्राउंड स्कोर है वो संतोष नारायण ने पूरी फिल्म के लिए कंप्लीट करवाया हुआ था जहाँ पे एज अ कंपोजर के तौर पर मलयालम इंडस्ट्री के लिए एम जयाचंद्रन ने डेब्यू किया हुआ था इस फिल्म में उन्होंने टोटल पांच गानों को कंपोज किया था जिसके राइट म्यूजिक वालों के पास थे जो इन गानों को टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है ब्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें पाथन प्रोथम नुतांदू फिल्म के टोटल पाँच गानों में पहला गाना था पुथम वरुणिंदी जिसको गाया हुआ था सैनोरा फिलिप ने वहीं पे करबन्ना इनिंग वरुमो करके जो गाना था उसको निखिल राज और नारायणी गोपाल ने गोपाल ने गाया हुआ था मैली पिली इक्नु करके जो गाना था उसको मृदुला वॉरियर और के एस हरिशंकर ने गाया हुआ था वानम करके जो गाना था उसको सितारा कृष्ण कुमार और उन्नी इलैया राजा ने गाया हुआ था परवा पदुन्ना करके जो गाना था उसको पेंडलम बालन के पास गवाया गया था तो ये टोटल पाँच गाने थे जिसको ऑफिशियली यूट्यूब पे अभी अवेलेबल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक की सॉरी टिप्स म्यूजिक मलयालम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन के ऊपर तो डायरेक्टर विनायन जो इस फिल्म के स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें की हुई थी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 2020 में कि वो एक ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे जहाँ पे वो एक पेन इंडिया फिल्म होगी जहाँ पे हम इस फिल्म में एक पीरियड एक्शन ड्रामा जोनर के साथ चीज़ें दिखाने वाले और उसके बाद में इस फिल्म का पूजा सेरेमनी कोचिनी में रखा गया था जहाँ पे जनवरी 2021 में वो सेट किया हुआ था शूटिंग लेट हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी पलक्कड़ से इस फिल्म में तीन महीने की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी एक साथ शूटिंग पलक्कड़ में ही की हुई थी उसके बाद में कोविड की वजह से चीज़ें रुक गई थी उसके बाद में उस फिल्म की शूटिंग करीबन पलक्कड़ में तीन महीने के बीच में अस्सी परसेंट हो चुकी थी जिसके चलते फिल्म की एडिटिंग कोविड के जो ये सभी चीज़ें चल रही थी पेंडेमिक के दौरान तभी एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जो बीस परसेंट शूटिंग बाकी थी वो सेकंड वेव के बाद स्टार्ट की गई थी जहाँ पर तीन नवम्बर दो के बाद फिल्म को फिर से शूट करना स्टार्ट किया था और इस फिल्म को पूरी तरह से एक जुलाई दो तक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ कम्प्लीट करवाया हुआ था शूटिंग को तेईस नवम्बर दो को ही कम्प्लीट करवा दिया गया था डोल्बी एटमोस्टमिक सिंह के साथ फिल्म को पूरी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया था फिल्म को सेंसर यू करवाया हुआ था जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था बीस अगस्त दो को फिल्म को सेंसर करवाया था लेटर वन फिल्म को पेन इंडिया पर पे रिलीज करने की बारी आई तो मलयालम वर्जन ही रिलीज हुआ था क्योंकि दूसरे वर्जन के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रॉपर डेट नहीं मिली थी जिसके चलते बाद में कहा गया था मेकर्स के द्वारा फिल्म को लेटर ऑन हम इस फिल्म को आने वाले समय में ओ या थिएटर में रिलीज करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सीजू विल्सन लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अरुतुपुला वेलयुद्धा पेनिकर का रोल प्ले किया हुआ है जो एक वेल्दी ट्रेडर और एक मैन है वहीं पर नांगेलीकर का जो रोल है वो काइडू लोहार ने प्ले किया हुआ है महाराजा का रोल था जो ट्रावन कौर आइलम थिरुंदल रामा वर्मा थे वो रोल अनूप मेनन ने प्ले किया हुआ है कायम कुल्लम कोचनी के रोल में चंबन विनो जोश देखने को मिलेंगे सावित्री थम्पोरती के रोल में दीप्ति सती देखने को मिलेगी क्वीन थी क्वीन का जो रोल था जो ट्रॉन और मथरूपेल्ली कलइंग कु अम्मा का जो रोल था वो पूनम बजवा ने प्ले किया हुआ है नीली के रोल में रेनू सौंदर देखने को मिलेगी चिरुकुंदन का रोल है वो सैंथिल कृष्णा ने प्ले किया हुआ है पंद पदाविदन नम्बी का रोल है वो सुदेव नेर ने प्ले किया हुआ था पेनी केसरी परमेश्वर कायमल का जो रोल था वो सुरेश कृष्णा ने प्ले किया हुआ था कनन कुरूप के रोल में विष्णु विजय देखने को मिलेंगे कुंजू पिल्लाई के रोल में टीनी टॉम ने काम किया हुआ था पवनी पेरुमल का रोल गोकुल गोपालन ने प्ले किया हुआ था केलू का रोल था वो इंद्रंश ने प्ले किया हुआ था बावा के रोल में मणिकंदन आर आचार्य देखने को मिलेंगे दीवान का रोल रामू ने प्ले किया हुआ था वहीं पे दीवान पेशकर कल्याणा कृष्णन का जो रोल था वो कृष्णा ने प्ले किया हुआ था ईश्वर नमुन्थिर का जो रोल था वो राघवन ने प्ले किया हुआ था वहीं पर चंद्रकन्ना रमन थम्पी का जो रोल था एलियन एलियंसर ले लोपेज ने प्ले किया हुआ था ने पच्चूनिपणिकर जो ट्रामकोर आर्मी का चीफ था वो रोल सुधीर करमना ने प्ले किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म में जानकी के रोल में वर्षा विश्वंत देखने को मिलेगी कथा का रोल है वो माधुरी ब्रिगिजा ने प्ले किया हुआ है कड़पन्ना का रोल है वो मुस्तफा ने प्ले किया हुआ था तंदल कराना किसुनी का रोल है वो जफर इंदुकी को दिया गया था वहीं पे चरथला नदुवल्ली का रोल है वो शिवाजी गुरुवैर ने प्ले किया हुआ था चंद्रू पिल्लाई के रोल में आपको सुनील सुखन सुखंदा देखने को मिलेंगे वेलु था के रोल में निया देखने को मिलेंगे वहीं पे कुंजू का रोल है वो मास्टर अदिल ने प्ले किया हुआ है वहीं पर पे, दीवान पेशकर नानू पिल्लाई के रोल में स्पदिकम ज्योद ने काम किया हुआ है कौंथिर कुरुप्पू जो ईश्वरन नंबूर थिर के असिस्टेंट थे उसका रोल नज़ीर संक्रांति ने प्ले किया हुआ है अप्पू कुरूप के रोल में जय कुमार परमेश्वर पिल्लाई देखने को मिलेंगे अच्छू पिल्लाय जो एक ट्रांसलेटर था जो उसका रोल कौतिक कल्ल जयचंद्रन ने प्ले किया हुआ है नगन पिल्ला के रोल में जो एक जेलर का रोल था वो रोल में चाल्ली पल्ला देखने को मिलेंगे चाथन का रोल है वो विष्णु गोविंदन ने प्ले किया हुआ है कौम कुरुपू का रोल वी के बेजू ने प्ले किया हुआ था भगीरथी जो भगीरथी तंपूर्ती का जो रोल था वो सुरती रोशन ने प्ले किया हुआ था वहीं पे नारायण नंबुरथीर का जो रोल है वो कृष्णा प्रसाद ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मुंशी रंजित इस फिल्म में करुणन के रोल में दिखाई देंगे पंजू पिल्लई पुलिस जो रोल है वो प्ले किया हुआ है बिजु इलुपुन्नो ने वहीं पे किट्टू के रोल में एदिनासो ऐति नंदू शशि देखने को मिलेंगे तनु पिल्ला का जो रोल है वो पूजा पूजापुरु राधा कृष्णन ने प्ले किया हुआ है जो तिरुमेनी का जो रोल था तिरुमेनी का रोल वो सरन पुथुमाना ने प्ले किया हुआ है वहीं पे मोहनलाल फर्स्ट हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते मामोती फिल्म के सेकंड हाफ में नेरेट करते हुए नज़र आते तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को इनिशियल डेज़ के ऊपर पहले रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई थी वजह से इस फिल्म को 8 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था वैसे इस फिल्म का टीजर 3 जून 2022 को रिलीज किया था वहां पर इसके अलावा फिल्म ये ट्रेलर को बीस अगस्त दो को रिलीज किया उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सी पहली मलयालम फिल्म थी जिसको मेटावर्स में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था जहां पे उसको काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस मिला था इस फिल्म को पहले पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करने वाले थे मलयालम के साथ हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा डब्ड वर्जन में लेकिन चीज़ें कुछ सही नहीं गई उसके बाद में आठ सेप्टेम्बर को इस फिल्म को सिर्फ हिंदी वर्जन में सॉरी मलयालम वर्जन में ही रिलीज किया गया था जहाँ पे फिल्म को एक क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था आई पे करीबन पंद्रह वोट हासिल हुए थे जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से वहीं पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे मलयालम वर्जन के लिए वो अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए थे जिन्होंने फिल्म को सात नवंबर 2022 को ऑफिशियली अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पाथन पथम नतादू मूवी को मलयालम वर्जन में रिलीज किया हुआ था अब देख बात कर लेते कैसे ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो पाथम पथम नुताडु फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो ऑफिशियली एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली हुई लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को कोई भी हिंदी बैनर खरीदेगा करवाएगा, करवाएगा, के, के, इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप मलयालम वर्जन में ही देखना चाहते तो, तो देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि पथान पथानु फिल्म को अगर मलयालम वर्जन में देखना चाहते हो तो एमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो हिंदी डब वर्जन आपको आने वाले समय में किसी बड़ी

दी हुई है बॉक्स ऑफिस के बारे में बातचीत की हुई है साथ ही में फिल्म का रिव्यू किया हुआ है फिल्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म से जुड़े सभी तथ्य भी शेयर किए हुए हैं तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू